वेलकम टू प्योर कुकिंग। इस वीडियो में मैं मैदे के बिना शक्कर पारों की रेसिपी, सूजी और आटे की ये शक्कर पारे की रेसिपी है, शेयर कर रही हूँ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। देख सकते हैं आप ये कितने क्रिस्पी हैं और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट हैं, बाहर से क्रिस्पी हैं। तो ये बनाने के लिए मैंने यहाँ पे सामान ले लिया है। एक ही कप से आप स्टैंडर्ड मेजरमेंट करेंगे तो बहुत ही अच्छे बनेंगे। तो एक कप यहाँ पे आटा है और एक कप ही मैं सूजी यानी रवा लूँगी, और थ्री फोर्थ कप मिल्क में मैंने एक कप शुगर को शक्कर को घुलने के लिए रख दिया है। ये दूध थोड़ा सा गर्म है ताकि शक्कर को घुलने में आसानी हो जाए। अब मैं दूध में अच्छे से शक्कर को घुला दिया है मैंने। अब मैं इसमें एक चुटकी खाने का मीठा सोडा ऐड करूँगी, जो हम घर में यूज़ करते हैं ये वही सोडा है, और 1/4 टीस्पून मैं इसमें इलायची, पीसी हुई इलायची का पाउडर ऐड कर रही हूँ और इसे साइड में रख दूँगी अब। और एक बर्तन में मैंने खुले बर्तन में गेहूँ का आटा ले लिया है, जो रोटी पकाने का आटा होता है वही होल व्हीट फ्लार, और इसमें मैं 1 कप पूरा सूजी का ऐड कर रही हूँ यानी कि रवे का। ये बारीक वाली सूजी है जो जिससे उपमा बनता है, वो वाली सूजी है। इसमें मैं 1/2 कप घी ऐड कर दूँगी। मेजरमेंट सारे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर लूँगी ताकि आपको अच्छे से हेल्प हो जाए। तो मैं यहाँ हाथ से ही डाल रही हूँ, लेकिन मुझे अंदाज़ा है इसीलिए डाल रही हूँ, लेकिन आप सारी चीज़ों को एक ही कप से मेजर कर लें तो अच्छे बनेंगे इंशाल्लाह ये। अब मैं इसको घी को अच्छे से रवे में आटे में मिक्स कर दूँगी इस तरह से। हथेलियों की मदद से मैंने सारे घी को मिला लिया है, देख सकते हैं आप। और इस तरह से जब हम इसको मुट्ठी में पकड़ के देखें तो ये बनना चाहिए, क्योंकि ये सूजी है तो ये बहुत ज़्यादा घट नहीं हो रहा है, लेकिन काफ़ी है, इतना घी अच्छा मिक्स हो गया है। अब मैं इसमें जो दूध मैंने मिक्स किया था शक्कर में वो ऐड कर लूँगी, और ये एक चिपचिपा सा डो बनेगा। इसे हमें घट नहीं बनाना है, जिस तरह से शक्कर पारों का या पूरी का डो है वैसा नहीं, बल्कि सिर्फ जोड़ देना है, इसको मिला देना है दूध में अच्छे से, क्योंकि सूजी फूलेगी और ये सारा ऑब्जर्व करके सूजी नरम हो जाएगी। अगर हम इस डो को हार्ड बना देंगे तो सूजी फूलेगी नहीं और बाद में मुश्किल होगी। देख सकते हैं आप, जो मैंने आटा बनाया है वो बिल्कुल लूज़ है, इस तरह से लूज़ रखा है मैंने, एकदम पतला लग रहा है। लेकिन अब ये एक से डेढ़ घंटे के लिए मैं इसे रख दूँगी, ढककर रख दूँगी ताकि ये सूजी फूल जाए और इसकी कंसिस्टेंसी भी अच्छी हो जाए आटे की। अब डेढ़ घंटा हो गया है, देख सकते हैं आप, काफ़ी हार्ड हो गया है ये आटा, यानी जिस तरह से रोटी का आटा होता है उस तरह से हो गया है। अब मैं इसको अच्छे से गूंद लूँगी, सॉफ्ट कर लूँगी इस आटे को नीट करके इस तरह से, ताकि शक्करपारे या लॉस बनाने में आसानी हो। अब मैंने यहाँ पे कढ़ाई में घी और तेल दोनों गर्म कर लिया है। आप चाहें तो घी में फ्राई कर लें या फिर ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं। अगर किसी वजह से आपका आटा पतला हो जाए तो आप थोड़ा सा इसमें आटा डाल दें, सूखा आटा, और इसको फिर से गूंद लें। लेकिन यहाँ पे ये परफेक्ट गून गया है। अब मैं इसके थोड़ा सा इसे राउंड करके इसके छोटे छोटे पोर्शंस बना लूँगी इस तरह से, और इसे बेल लूँगी, क्योंकि शक्कर पारे बहुत ज़्यादा पतले नहीं होते हैं, इसीलिए मैं भी मोटे ही बना रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसे बिल्कुल पतला भी बना सकते हैं। अब मैं इसके किनारे कट कर रही हूँ और शक्कर पारों की शेप में मैं इसको कट कर लूँगी। हमारे यहाँ इसको लॉस कहते हैं, और 1.5 इंच के हिसाब से मैं ये कट कर रही हूँ शक्कर पारों को। और इस वक्त तक तेल अच्छे से गर्म हो गया है, तेल का टेम्परेचर हमें थोड़ा सा मीडियम रखना है ताकि ये अंदर तक फ्राई हो। थोड़े से मोटे हैं ना ये, इसलिए बहुत ज़्यादा अगर स्टोव की फ्लेम हम हाई रख देंगे तो ये बाहर से पक जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे, इसलिए मीडियम फ्लेम पर मैं इसे फ्राई कर रही हूँ। और लो भी नहीं रखना है, क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा लो कर देंगे तो ये शक्कर पारे तेल सारा ऑब्जर्व कर लेंगे, इसीलिए मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है। और एक तरफ से ये जब फ्राई हो जाएंगे मैं इसको फ्लिप कर दूँगी। और आप जानते हैं मैं हमेशा कम तेल में ही डीप फ्राई करती हूँ, क्योंकि मुझे तेल रीयूज़ करना पसंद नहीं है, इसीलिए बैचेस में फ्राई कर रही हूँ मैं। आप ज़्यादा भी बनाना चाहें तो आप उसको मल्टीप्लाई कर लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो क्वांटिटीज़ है उसको मल्टीप्लाई कर लें बराबर से।
अभी अच्छे से फ्राई हो गए हैं, मैं इसे निकाल के दूसरे वाले बैचेस फ्राई कर लूँगी सेम उसी तरीके से। और उस वक्त तक स्टोव की फ्लेम बिल्कुल कम कर दी है मैंने। अब इसे भी सेम इसी तरीके से फ्राई करना है। ये देखिए मैं तोड़कर बता रही हूँ ये कितना क्रिस्पी बना है, इसकी आवाज़ सुन सकते हैं आप। ये भी अच्छे से फ्राई हो गया है, ये भी निकाल लेंगे और बाकी के सारे शक्करपारों को हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। और इतने शक्करपारे तलने के लिए मुझे आधा घंटा काफ़ी हो गया बेल के फ्राई करने के लिए। इसे सॉरी निकाल के हम सूखे बर्तन में निकाल लेंगे और ये ठंडे होने के बाद में इसे हम एयरटाइट कंटेनर में रख देना चाहिए। देख सकते हैं इसकी आवाज़ आप कितना क्रिस्पी है। ये एक महीने दो महीने तक भी ये ख़राब नहीं होते, लेकिन एक महीने तक के आप बनाइए क्योंकि ऐसे ऑयली चीज़ों में बाद में एक स्मेल आने लगती है, इसीलिए एक महीने तक काफ़ी अच्छे रहेंगे ये। तो अगर आपको मेरी ये बिना मैदे के सूजी के शक्कर पारे या लॉस की रेसिपी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए प्योर कुकिंग चैनल को। और मैं आपको दूसरी वीडियो में मिलती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।